अब देखते हैं खबर फोनी तूफान की वजह से हुए नुकसान की। बहुचर्चित फोनी तूफान ने आखिरकार ओडिशा राज्य को अपनी चपेट में ले ही लिया। इस फोनी तूफान की वजह से एक तरफ जहां ओडिशा का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ओले पड़ने की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस फोनी तूफान की वजह से हर तरफ तबाही का मंजिल देखने को मिला। पिछले कई दिनों से जिस चक्रवाती तूफान के चर्चे हो रहे थे, उस फनी चक्रवात ने उड़ीसा को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तूफान से उड़ीसा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब तक इस तूफान की वजह से 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की खस्ताहाली में और इजाफा हुआ है। फनी तूफान की गति और प्रभाव इतना भारी था कि एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के निर्माण के लिए बनाया गया लोहे का टॉवर भरभरा के गिर पड़ा। यह टॉवर जिस इमारत पर गिर पड़ा, उस इमारत में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो दूसरी तरफ इस तूफान ने खड़ी बस को खिलौने की बस की तरह पलटी कर दिया। इस फनी तूफान के दौरान ओले पड़ने का दृश्य भी कैमरे में कैद हुआ है। कुल मिला के इस चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा के लोगों को काफी प्रभावित किया है। इस फनी तूफान की वजह से अब तक कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बहरहाल यहां दिल को सुकून पहुंचाने वाली खबर ये है कि इस चक्रवात का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं होगा, परंतु महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में सतर्कता की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्नाला टीवी।